अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अम्मी ने आपके साथ शेयर किया है अक्की मसूर की वेज बिरयानी, या फिर आप इसे फ्लाव भी कह सकते हो। ये बहुत ही मज़े की और कम टाइम में बनकर के तैयार हो जाती है बिरयानी, वो भी कुछ ही इंग्रेडिएंट्स से। नॉन वेजिटेरियंस को नॉन वेज से कम नहीं लगेगी, बहुत ही लजीज और मज़े की बनकर के तैयार हो जाती है ये बिरयानी। तो चलिए बिना देर किए हम रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आती तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चलिए बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे एक कप अक्की मसूर की दाल यानी 150 ग्राम, एंड ले लेंगे हम लॉन्ग बासमती की राइस आधा किलो। नेक्स्ट हम दो मीडियम साइज़ के पटाटो ले लेंगे, जिसे इस तरीके से चॉप कर लेना है, एंड दो हम मीडियम साइज़ के टमाटो ले लेंगे, जिसे प्यूरी रेडी कर लेना है। देन हम इसे स्टॉक करके रख लेंगे पानी में, ताकि ये भीग के थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। भी नेक्स्ट हम एक पैन ले लेंगे, जिसमें हमें अक्की मसूर का मसाला रेडी करना है। 2 बड़े चम्मच हम ऑयल ऐड कर लेंगे, देन हम सारे खड़े मसाले ऐड कर लेंगे। 2 तेज़पत्ता, 2 लौंग, 4 से 5 छोटी इलायची, 1 टीस्पून हम शाह जीरा ऐड कर लेंगे। देन हम 1 सेकेंड तक सारे खड़े मसालों को अच्छे से भून लेंगे। अभी नेक्स्ट हम चॉप किया हुआ पटाटो ऐड कर लेंगे, और इसे भी अच्छे तरीके से हम भून लेंगे तेल में। 1 मिनट तक हम पटाटो को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। अभी नेक्स्ट हम 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लेंगे, और जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी अच्छे तरीके से हम पटाटो में भून लेंगे, अच्छे तरीके से सॉटे कर लेंगे 1 सेकेंड तक। देन हम इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, एंड नेक्स्ट 1 टीस्पून हम गर्म मसाला ऐड कर लेंगे, एंड नेक्स्ट 1 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड कर लेंगे, एंड 1/2 टीस्पून हम थोड़ी सी हल्दी ऐड कर लेंगे, एंड 1/2 टीस्पून हम सॉल्ट ऐड कर लेंगे। सॉल्ट अपने अकॉर्डिंग आप ऐड कर लेना। अभी सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट तक हम ड्राई मसालों को अच्छी तरीके से भून लेंगे। मसाले अच्छे से भून गए, अभी नेक्स्ट इसमें हम 1 कप दही ऐड कर लेंगे, लगभग 5 टीस्पून। अभी दही को भी अब हम अच्छे से भून लेंगे मसालों में। लो फ्लेम पर हम भून लेंगे, ताकि दही फटे ना। जैसे ही दही अच्छे से भून जाएगी, हम फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे सारे मसालों को अच्छे से भून लेंगे। अभी नेक्स्ट हम इसी स्टेज पे टमाटो की प्यूरी ऐड कर लेंगे। ये 2 टमाटो है, जिसे हमने फाइन प्यूरी रेडी कर लिया था। टमाटो की प्यूरी को ऐड करने के बाद हम मसालों को लो फ्लेम पर अच्छे तरीके से पका लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे तमाम चीज़ों को। अभी नेक्स्ट इसमें हम बिरिस्ता ऐड कर लेंगे। बिरिस्ता हमने पहले ही बना के रख लिया था 1 प्याज का, देन हम थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए रख लेंगे। बिरिस्ता ऐड करने के बाद हम इसमें अक्की मसूर ऐड कर लेंगे। अक्की मसूर ऐड करने से पहले हमें 2 से 3 घंटा पानी में से अच्छे से स्टॉक करके रखना पड़ता है, ताकि अक्की मसूर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और जल्दी से पक जाए। नेक्स्ट हम 1 नींबू का रस ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट हम 3 से 4 हरी मिर्ची ऐड कर लेंगे, एंड थोड़ी सी कोथमीर ऐड कर लेंगे, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लो फ्लेम पर हम सारे मसालों को 5 से 10 मिनट तक अच्छे तरीके से पका लेंगे। जब तक मसाले पक रहे हैं, दूसरी फ्लेम पर हम राइस बनाने की तैयारी कर लेते हैं। जो टोप में हम राइस बना रहे हैं, वो टोप में हम खड़े मसाले ऐड कर लेंगे। 1 कप शीरा, 1 कप दालचीनी का टुकड़ा, 1 छोटी चकरी का फूल, और 3 से 4 छोटी इलायची। सारे मसालों को डाल करके हम बॉयल आने तक हम इसे अच्छे से पका लेंगे। 1 कप सॉल्ट ऐड कर लेना, सॉल्ट अपने अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। एंड नेक्स्ट हम इसमें 2 टीस्पून ऑयल ऐड कर लेंगे, जिससे चावल एकदम स्टिकी नहीं बनेंगे, एकदम खिले खिले बनेंगे। जैसे ही हम बॉयल आना स्टार्ट हो जाए, तो हम चावल को डाल देंगे। हमने यहाँ पे तकरीबन 500 ग्राम बासमती राइस ले लिया है, लॉन्ग ग्रीन बासमती राइस। आप चाहो तो जीरा राइस भी ले सकते हो। एंड चावल को हम अच्छे से पका लेंगे। 80-90% चावल को अच्छे से पका लेने के बाद हम इसे निथार लेंगे। अभी हम चावल को चेक कर लेते हैं। देखिए, चावल अच्छे से बन गए हैं, अच्छे से टूट रहे हैं। 90% चावल अच्छे से कुक हो गए। अभी हम इसी स्टेज पे चावल को अच्छे से निथार लेंगे। पानी को अच्छे से सेपरेट करके हम मसाले में ऐड कर देंगे चावल को। देखिए इस तरीके से।
चावल को ऐड करने के बाद इसमें हम 2 टीस्पून जो विनिस्ते का ऑयल था हम इसमें ऐड कर लेंगे ताकि चावल एकदम अच्छे से सेपरेट रहे, स्टिकी स्टिकी ना रहे। अभी हम 10 से 15 मिनट इसे दम पे पका लेंगे। 10 मिनट हो गए हैं, सॉरी फ्रेंड्स बीच में वीडियो शूट नहीं हो पाया। अब इस तरीके से 2 टीस्पून केसरी रंग ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा हम कोथमीर ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा बिनिस्ता। इस तरीके से आप डालकर इसे इन्हांस कर लेना। लो फ्लेम पर हम और 10 से 15 मिनट इसे अच्छे से पका लेंगे ताकि चावल और अच्छे से कुक हो जाए। देन ये 10 मिनट हो जाने के बाद थोड़ी देर हम सेट होने के लिए रख देंगे, देन हम इसे सर्व कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल और इजी और मज़ेदार सी वेज अक्खी मसूर की पुलाव बन करके तैयार हो गई है एकदम नॉन वेज स्टाइल में। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, आपको ये नॉन वेज से कम भी नहीं लगेगी। आई होप फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट में बताना कि रेसिपी कैसी बनी है। अल्लाह हाफिज़।